नाज़रीन इकराम, लंगरोज पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके डिफेंस कॉलोनी में एक तेज़ आज़दगी का वाक़या पेश आया, जहां पर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुकामी आवाम का कहना है कि स्क्रैप के कुछ सामानों को वायरों को जलाने की वजह से ये आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके तहत फायर ब्रिगेड्स के अमले और मुकामी आवाम ने इस आग को फैलने से रोके है। मगर तेज़ आगजदगी का वाक़या पेश आया, जिसके चिंगारियों की वजह से, आग के शोलों की वजह से आसपास की इमारतों में भी आग लगना शुरू हुई, जिसके तहत मुकामी आवाम ने उसको बुझाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हुए नज़र आए। आइए देखें नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ये आगजदगी के चंद मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मोहम्मद हाजी अली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। हम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। कुछ लोग भी हैं, तो कैसा हुआ ये लोग जब अंगार पकड़ी तो ये अपने जान पर खेल कर वही जलती हुई लकड़ियों को नीचे डालने का काम कुछ लोग करते रहे। ऐसे लोग ना ये लोग जो है डर के भागे और ना ही ये लोग जो है फायर ब्रिगेड का इंतजार करे। ये लोग अपने हाथ में लिए मामला और ये अंगार को ठंडी करके बताए। अफजल भाई, आप नाम अफजल है? अफजल, इससे पहले भी बोले थे वहाँ स्पार्क हुआ था जो, जी जी, वो लाइट आंच लगी थी। हाँ, कोई बोल सुनने वाला नहीं है वहाँ। वो हाँ, बैटरियां हैं, गाड़ियों के बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक के चीजा, वायरिंग जलाते, वायरिंग जलाते, सब करते वहाँ। कैसा हुआ, हुआ कैसा अफजल भाई, क्या टाइम से हुआ, क्या है? और बार बार इसने और साउंड्स आते जा रहे हैं। स्क्रैप जो है था उन लोग का पूरा जलाते हैं लोग। जी जी, तो आप बोले कोई नहीं रोको वहाँ पे? इससे पहले कंप्लेंट दिए थे, फिर दिया बात भी करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले यही चीज हुआ क्या? इससे पहले लाइट आई थी। अच्छा, राइट आई थी, जी जलाते वो करते पूरी बदबू घरों में। अच्छा, तो क्या टाइम से हुआ, टाइमिंग? ये दिन अभी एक घंटा भर पहले हुआ। टाइमिंग राहुल भाई, आप बताए थे क्या, कैसा लगी क्या है? मैं घर पे था जी, अभी मेरे को फोन आया रेंटर्स का। तो अच्छा, विद इन टू मिनट बाजू है घर, चल लेते। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये दुआ करो पहले पानी का इंतजार करें। कुछ नहीं, जी आपके हाथ में जी लेके करें, ऐसे लोग हैं। अच्छा, घर में सिलेंडर आ रहे थे, कुछ वार जिम्मेदार उड़ना जिम्मेदारी लेते, हालांकि लकड़ियों को जल्दी जल्दी नीचे फेंकना शुरू करें, दूसरे साथियों भी पानी डालना शुरू करें। खास करके इधर का कहना है बस्ती वालों का, अनस भाई क्या क्या कहना बोलना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? हुकूमत से क्या ये बताइए, एक बार कंप्लेंट करो जी, कारखाने का काम में इंतजाम कुछ कराओ बोलो। अच्छा, ओके। इससे पहले भी ऐसी वायरिंग जलाए, वो चिंगारियां उछल के यहाँ तक आंच लगी थी। जी, और कितने बिल्डिंगों को आंच लगी यहाँ पे? कितने बिल्डिंगों को आंच लगी? यहाँ एक आंच लगी, वहाँ एक आंच लगी। अच्छा, बाजबता मेरे चूल्हे की खिड़की खुली थी, सिलेंडर था वहाँ। जी जी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो बिल्डिंग का नाम खराब। एहसान है, चार वायरिंग मत चलाओ बोले तो सुनते नहीं लोग, समझे? करना है बोलिए, बताइए आप कुछ भी बोलो उन लोग को, एक बार उन लोग कुछ बोलो कि आइंदा से वहाँ वायरिंग जलाने का कोई काम नको करो बोलो। ओके, और ना बैटरियां लेके आके वहाँ रखने की जिम्मेदारी नको लियो बोलो। तो बैटरियां वोटरिया गाड़ी के बैटरियां कैसे रहते मालूम है ना आपको? नहीं, जरूरी है, कमर्शियल एरिया है ये, कमर्शियल आजू बाजू भरा है, दोनों मिलकर नहीं रह सकते। जी जी, बराबर है, वो तो जरूरी है, देख सकते हैं आप कितना माल। छोटे छोटे बच्चे रहते घरों में, खुदा ना खास्ता बच्चे रहते तो क्या करते थे? वही बोल रहा हूँ, ये अंगार जो लगी अब ये मामला एक्शन में जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अंगार बुझने के नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये अंगार जो भी लगे, सब में खुशी की बात यह है कि किसी की जान